चीले और ऑमलेट की सीरीज के चौथे एपिसोड के अंदर आज एक महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश, खास तौर से डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए इसकी रेसिपी आज हम रिया जी से सीखेंगे। इसका नाम है थाली पीट। देखिए ये काफी हेल्दी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि इसमें कई तरह के अनाजों का इस्तेमाल होता है और साथ में वेजिटेबल्स को लेकर के बनाया जाता है। सबसे पहला इसमें काम होता है इसका टिपिकल आटा बनाना। इसमें कई प्रकार के ग्रेन्स होते हैं जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट या लो स्टार्च ग्रेन से लेकर के हाई स्टार्च ग्रेन तक सभी प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमने कुछ एक ग्रेन एडिशनल भी आ सकते हैं, कुछ ग्रेन इसमें से कम भी हो सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी। हम लोग शुरुआत करते हैं समझने की यहां से हाई स्टार्च या हाई कार्बोहाइड्रेट ग्रेन से। सबसे पहले इसमें साबूदाना यूज किया जाता है जो बाइंडिंग के लिए होता है, पर ये बहुत हाई कार्ब है। ये सीरीज जो है 70-80% स्टार्च वाली है, तो इसे डेफिनेटली हम बाहर करने वाले हैं, परंतु समझने के लिए जरूरी है कि थाली पीट में क्या क्या डलता है। दूसरा है चावल, ये भी हाई इन कार्ब है। तीसरा है रागी। अक्सर लोग सोचते हैं कि रागी रिच इन फाइबर है और लो इन कार्ब है, जबकि ऐसा नहीं है। लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। इसके बाद में जो सेकंड रो है इसके अंदर लगभग 58-59 to 65-66% तक के कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाले स्टफ आते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, इवन मक्का। मक्का हमने यहाँ नहीं रखा हुआ है। इसके बाद में 50-60% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं जिसमें दालें आती हैं जो प्रोटीन रिच है। 15-20-22% तक इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, पर कार्बोहाइड्रेट भी धुली हुई दालों में अच्छी मात्रा में होता है। पर दाल खाने के लिए हम क्यों डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स को ओके करते हैं? क्योंकि एक कटोरी दाल के अंदर मुश्किल से 10-20 ग्राम दाल ही आती है, बाकी तो पानी और बाकी मसाले होते हैं, तो इसलिए अलाउ किया जाता है। परंतु ये जितनी भी धुली दालें हैं, जैसे यहां रखी हुई है उड़द दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, ये सभी 50-60% स्टार्च के ब्रैकेट में आती हैं। अब ये जो पांच स्टफ है ये रियल में कंपैरेटिवली लो कार्ब हैं। इसमें भी 40-50% के ब्रैकेट में मूंग दाल छिलके के साथ, देखिए धुले वाले में नहीं, मैं छिलके वाली बोल रहा हूं, छिलके वाली मूंग दाल, मोठ और मसूर की दाल छिलके वाली, साथ में चना, ये लगभग 40-50% स्टार्च वाले स्टफ है। और सबसे कम स्टार्च वाला स्टफ है सोयाबीन, 20%। तो अब यहां से हम कुछ चीजें जो हाई स्टार्च वाली हैं वो हटा देंगे और कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जैसे मेथी दाना डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा है, डाइजेशन के लिए सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये भी हम इस मसाले में ऐड करेंगे, इस आटे में ऐड करेंगे। तो हटाएंगे इसमें से क्या क्या, ये जो 70-80% वाले स्टफ थे हमने हटा दिए हैं सारे। अब गेहूं, ज्वार, बाजरा में अगर आपके पास में एक या दो चीजें उपलब्ध हैं तो उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, पर यदि ग्लूटेन की एलर्जी है तो हम गेहूं भी हटा दें। यहां पर किसी को भी ग्लूटेन का एलर्जी फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं रख रहा हूं, या ठीक है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको भी हटा देता हूं। तो यहां पर क्या रह गया, ज्वार, बाजरा और ये सारी दालें, दालें भी कई सारी हैं, तो एक दाल और मैं हटा देता हूं। तो ये आ गया 60% वाला स्टफ, ये पूरा स्टफ हो गया 40% वाला और ये है 20% वाला। तो ये कुल मिला करके इन मसालों के साथ में जो आटा बनेगा वो लगभग 40-45% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाला बनेगा। अब इन सबको हम भून लेंगे, पीस लेंगे और एक साइड रख देंगे आटे को। उस आटे को आप 1-1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिया जी आपको बताएंगी उसका प्रोसेस। और फिर उस आटे में से पार्टली लेकर के हम थाली पीठ बनाएंगे। इसकी पूरी रेसिपी हम रिया जी से समझ के लेंगे। तो ओवर टू रिया जी। तो अभी हम थाली पीठ का आटा बनाने के लिए सारे अनाजों को इसमें भून लेते हैं। Thank you.
तो अभी मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। और इसे भी हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तो अभी सारे मसाले और अनाज भून गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसको मिक्सी में पीस के इसका आटा बना लेंगे। तो अनाज अभी हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें मिक्सर में डाल के इसका आटा बना लेंगे। तो अभी हमारा आटा रेडी हो गया है। आप इसे 1-2 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सारे वेजीज ऐड कर देंगे बाउल में। फ्लावर, बीन्स, गाजर, प्याज, और पत्ता गोभी। और हरी मिर्च और धनिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। थोड़ा ही आटा आप ऐड कीजिएगा बाइंडिंग के लिए। और हम अभी इसे गूंद लेंगे। तो अभी हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम थाली पीट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसका थाली पीट बना लेंगे। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा घी लगा देंगे पैन में। अब हम इसे थोड़ी देर सेकने देंगे और फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। रिया जी, एक ट्राई मैं मारूं? हाँ, फ्लिप कर पाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बीच बीच में थोड़ा जोश आ जाता है कुकिंग देखते हुए। अरे वाह, देखो कुकिंग आर्ट अपना परफेक्ट है। बढ़िया बना है, कलर बहुत अच्छा आ रहा है। प्लीज प्लीज, थैंक यू। अब ये तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे और डॉक्टर संजीव अग्रवाल आपको इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बता देंगे। थाली पीठ काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा सिका है। अब यदि आपको डायबिटीज है, आप घी तेल का फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दुबले पतले हैं तो, यदि आप ओबीज हैं, आपको कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस में जस्ट एक कोटिंग के रूप में घी तेल का इस्तेमाल करें। देसी घी की अक्सर मैं एडवोकेसी करता हूं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। ईच 100 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 12 से 14 ग्राम होता है। एनर्जी लगभग 100 से 150 किलो कैलोरी तक होती है। डिपेंड करता है आपने घी इसमें कितना इस्तेमाल किया है। मैंने दोनों तरह की वैल्यूज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई हैं। 12 से 14 ग्राम तक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लगभग 2 से 3 ग्राम तक फाइबर है, प्रोटीन लगभग 3 ग्राम और फैट अगर आपने जस्ट कोट किया है तो 1 से 2 ग्राम और यदि आपने फ्रीली यूज किया है तो ईच 100 ग्राम में लगभग 5 ग्राम होता है। तो आज हमने रिया जी के साथ में एक और हेल्दी और न्यूट्रिशनल रेसिपी सीख करके ली, थाली पीठ। अगले एपिसोड के अंदर हम एक और हेल्दी डिश के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे।
थैंक यू वेरी मच।